अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द नर्ड मैग। आज हम लोग रिव्यू करने लगे हैं ऑनर 9X का। ये फ़ोन वैसे तो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था 2019 में, लेकिन पाकिस्तान में फ़ोन लास्ट मंथ लॉन्च हुआ है इन द स्टार्ट ऑफ जनवरी। और वैसे ये फ़ोन जो है दिट इज़ अ एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द हुआवे Y9S। जो इसके स्पेक्स हैं दे आर टोटली द सेम और उनमें कोई भी फर्क, बिल्कुल भी स्पेक वाइज कोई फर्क नहीं है। अगर कोई डिफरेंस हुआ कोई भी तो वो मोस्ट प्रॉब्ली सॉफ्टवेयर वाइज कुछ हो सकता है, लेकिन वैसे तो स्पेक्स में दे आर बिल्कुल टोटली द सेम फोन्स। इस फ़ोन की जो प्राइस है दैट इज़ 39,000 रुपीज़, और जो Y9S था उसकी प्राइस इज़ 43,000। तो आपको ये एडवांटेज है कि इफ़ यू लाइक दैट फ़ोन तो आपको उसका बिल्कुल ऑल्टरनेट मिल रहा है थोड़े कम पैसों में। विच द ओनली कैच इज़ के उसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है दैट इज़ ऑन द राइट पावर बटन जो है वो उसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो बैक पे माउंटेड है। इसके अलावा इन दोनों फ़ोन्स में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों फुल स्क्रीन फ़ोन्स हैं, दोनों में पॉपअप कैमरा है, बैटरीज आर इक्वल, ठीक है, और फ्रंट ग्लास है, बैक में भी ग्लास है, एल्युमिनियम का फ्रेम है, तो उस हिसाब से इन दोनों फ़ोन में कोई फ़र्क नहीं है। तो यार हम रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। डिज़ाइन वाइज इस फ़ोन में एक 6.59 इंच का फ्रंट पैनल है विच इज़ अ फुल स्क्रीन पैनल, आपको कोई भी नॉच नहीं मिलती। द कैमरा इज़ अ पॉपअप कैमरा। हमारा फ्रेम जो है दैट इज़ अ मेटल फ्रेम, बैक पे हमारे पास ग्लास है, फ्रंट पे भी हमारे पास गोरिल्ला ग्लास है, और ओवरऑल इस फ़ोन की जो फील है दैट इज़ क्वाइट प्रीमियम फील। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास में कोई हाथ में चीप फ़ोन है। इट हैज़ अ गुड वेट टू इट और नॉट वेरी लाइट, लेकिन हाँ इट्स नॉट अलॉट, लेकिन इट फील्स वेरी गुड इन द हैंड। थोड़ा स्लिपरी है क्योंकि ऑब्वियसली आपका मेटल फ्रेम है, फ्रंट ग्लास है, बैक ग्लास है, तो उसको आप बिना अगर कवर के यूज़ करते हो तो ये बहुत स्लिपरी फ़ोन है। एंड इट इज़ अ वेरी बैड फिंगरप्रिंट मैगनेट क्योंकि अगेन इट्स ग्लास। लेकिन उसके अलावा फ़ोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्क्रीन साइज इज़ वेरी गुड। आई पर्सनली लाइक बिगर स्क्रीन्स, तो इसलिए मुझे तो ये स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है। कलर्स हमारे बहुत अच्छे हैं स्क्रीन के और व्यूइंग एंगल्स वगैरह भी अच्छे हैं। इट्स अ 1080p पैनल तो दैट इज़ अ प्लस, और उस लिहाज से ओवरऑल दिस फ़ोन डज पैक सम गुड फीचर्स। फिर इसके फ़ोन पे जो राइट साइड है वी हैव अ पावर बटन और हमारे पास हमारे वॉल्यूम रॉकर्स हैं। मैं आपको अगेन याद दिला दूँ Y9S में और इसमें जो फ़र्क था दैट वॉज उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर वॉज ऑन द पावर बटन, पावर बटन फिंगरप्रिंट सेंसर था, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर बैक पे माउंटेड है। फ़ोन के बॉटम पे हमारे पास USB टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है, एक माइक्रोफोन और 3.5mm का जैक है। इस फ़ोन में कोई फास्ट चार्जिंग नहीं आती तो दैट इज़ अ कॉन, लेकिन इट हैज़ अ बिग बैटरी। अगर इसको आप रात को चार्ज पे लगाते हो तो आपका पूरा दिन नेक्स्ट इजी गुजर जाता है क्योंकि बैटरी आई थिंक 4000mAh की है, तो दैट इज़ अ प्रो। लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं आती, Y9S में भी फास्ट चार्जिंग नहीं आती। फ़ोन के बैक पे ट्रिपल कैमराज हैं, साथ में एक फ्लैश है। ये फ़ोन जो है रनस ऑन एंड्रॉयड 9 एंड EMUI जो कि इसका अपना ऑनर का जो है OS होता है ऊपर, ठीक है। इट रन्स ऑन EMUI 9, एंड्रॉयड 9 पर चलता है ये और प्रिटी स्मूथ है, अच्छी चीज़ है। आपको आई थिंक इसमें डार्क मोड वगैरह का ऐसे तो डायरेक्ट फीचर नहीं है इसमें, लेकिन यू कैन इंस्टॉल थीम्स जो जिसमें कोई डार्क मोड वगैरह हो और आपका ये पूरा जो फ़ोन का ओवरऑल लुक होता है ये चेंज हो जाता है। अदर दैन दैट द मल्टीटास्किंग ऑन दिस फ़ोन इज़ प्रिटी ओके, और लाइक आप अच्छी खास चीज़ें इसमें खोल सकते हो एक टाइम पे। एज यू कैन सी के काफ़ी लाइक स्नैपर रिस्पॉन्सिस हैं, चीज़ें जल्दी खुल जाती हैं, लॉन्च हो जाती हैं, इट डजेंट टेक टाइम। और ओवरऑल भी जो आपकी ऐप्स वगैरह हैं वो काफ़ी देर तक खुली रहती हैं, बंद नहीं होती, तो दैट इज़ गुड टू सी। ऑल इन ऑल OS आई थिंक काफ़ी एक तरह से एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है लोगों की कि आपको या तो ये OS अच्छा लगेगा या तो नहीं लगेगा, लेकिन अदर देन दैट इट्स अ प्रीटी डिसेंट OS। और इफ़ आपको होता क्या कि मुझे ये होम स्क्रीन लेआउट नहीं पसंद, दिस इज सम पीपल वांट टू हैव एन ऐप ड्रॉअर, इसमें ड्रॉअर नहीं होता, तो यू कैन ऑलवेज इंस्टॉल अ लॉन्चर, लेकिन उसके अलावा तो आई थिंक इट्स अ प्रीटी डिसेंट OS। अगर हम लोग इस फ़ोन की बात करते हैं परफॉर्मेंस वगैरह की, तो ये फ़ोन डेली यूजेज के लिए काफ़ी अच्छा है। आई हैव बीन यूजिंग दिस फ़ोन फॉर लाइक द पास्ट फ्यू डेज़, तो उसमें कहीं पे भी मुझे ऑब्वियसली Y9S के साथ भी यही सीन था कि इट डजंट लैग, आपको कोई मसला नहीं आता कि फ़ोन कहीं पे तंग करे, आपको कोई डिफरेंस फील हो कि ना कहीं पे ऐप्स वगैरह फंस जाती हैं, कोई ऐप क्रैश करती हो, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। द फ़ोन इज़ वेरी स्मूथ, बहुत अच्छा चलता है। एंड्रॉयड 9 पे ये फ़ोन रन करता है जिसके ऊपर EMUI का 9 अगेन एक वेरियंट है वो चल रहा है। मुझे अभी नहीं पता कि इसमें 10 की अपडेट कब आएगी, लेकिन होपफुली वी शुड बी सींग इसमें एक EMUI 10 की अपडेट। उसके अलावा
बैटरी जो है इस फ़ोन की, दैट इज़ क्वाइट अ बिग बैटरी। एक दिन आपका हंसते हंसते गुजरता है बहुत आराम से, लेकिन बस द कॉन इसका इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं, तो आप इसको लगेगा ये सोचते हो कि मेरी बैटरी बहुत कम है और मैं इसको 15-20 मिनट चार्ज करूँगा तो आई विल बी गुड टू गो। उस तरह का सीन नहीं है, बैटरी चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि देर इज़ नो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो दैट इज़ अ कॉन जो मुझे काफ़ी फील होता है कि यार अगर इतनी बड़ी बैटरी फ़ोन में होती तो ऑब्वियसली आपके पास एक फास्ट चार्जिंग का फीचर होना चाहिए था। लेकिन अगेन आपका एक दिन बहुत आराम से निकलता है, शायद अगला दिन भी आप थोड़ा बहुत इसमें गुजार लो बिना चार्जिंग के, लेकिन अगेन आपके दो दिन नहीं गुजरने वाले। बट उसके लिए अगर अदर देन दैट इट्स अ वेरी डिसेंट फ़ोन, स्पेक वाइज अच्छा चलता है, वेरी गुड है, डेली यूजेज इसका फ़ोन का बहुत अच्छा है एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। अगर हम लोग इस फ़ोन की थोड़ी सी गेमिंग की बात करते हैं कि गेमिंग परफॉर्मेंस किस तरह चलता है, तो इस फ़ोन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी एडवांटेज देती हैं टुवर्ड्स गेमिंग, एंड दैट वुड बी एक तो इसकी बड़ी बैटरी। गेम खेलते हुए आपको ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती है कि मेरे फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मसला इसका यह है कि इस फ़ोन में इतनी ऑब्वियसली प्रोसेसिंग पावर नहीं है। एक तो इसका जो प्रोसेसर है दैट इज़ अ किरिन प्रोसेसर 710F एंड इट हैज़ अ 6GB रैम, तो उसमें जितनी भी आपके इंडी गेम्स हैं वो तो काफ़ी अच्छे स्मूथ चलते हैं, लेकिन जैसे बड़े गेम्स अगर आप पबजी कॉड वगैरह खेलते हो तो उसमें आप लो या मीडियम सेटिंग से ऊपर नहीं खेल सकते। एंड उसमें भी लो में तो शायद ऑब्वियसली आपको 60 FPS मिल जाता है वेरी इजीली, लेकिन मीडियम पर इट डजंट, मैं ये नहीं बोलूँगा अगर ग्लिची है, इट लैग्स है, ऐसा कोई मसला आपको आएगा उस तरह का इशू नहीं होता, इट इज़ वेरी प्लेएबल। लेकिन ऑब्वियसली आप इससे ऊपर अगर सेटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आप नहीं कर सकते। इसमें अगेन गेमिंग करते हुए एक और जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि एक तो डिस्प्ले इसका बड़ा है एंड इट इज़ नॉचलेस। कोई भी स्क्रीन पे ऐसे होता है ना, गेम अक्सर खेलते हुए आपको वो नॉच काफ़ी लोगों को तंग करती है कि वो बीच में आ चीज़ आ रही होती है, तो वो इशू इसके साथ नहीं है, पूरा आपको फुल व्यू एक्सपीरियंस मिलता है, तो दैट इज़ क्वाइट अ नाइस थिंग टू सी। अगर हम इस फ़ोन के साउंड की बात करते हैं तो इस फ़ोन की साउंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड इनफ, लाइक आई फील के इट कुड, आई सीन वर्स ऑन फोन्स, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी है। ईयर पीस स्पेशली इज वेरी लाउड एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स आप यू हैव टू टोन डाउन द वॉल्यूम अ बिट, लेकिन वैसे इट इज़ वेरी लाउड, द ईयर पीस इज़ वेरी लाउड, इट इज़ वेरी गुड टू सी अ नाइस ईयर पीस ऐसे फोन्स में। एंड देन वी हैव द स्पीकर ऑन द बॉटम विच इज़ ऑल्सो अ गुड, मैं भी बोलूँगा बहुत लाउड है बट इट इज़ अ गुड इनफ स्पीकर। एंड उसके अलावा आई थिंक ऑडियो वाइज इट्स गो, आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं चेंज करने के लिए, आप इक्वलाइजर वाले सेटिंग्स में कर सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक हेडफोन्स के अलावा उससे इतना फ़र्क पड़ता है, बट दैट इज़ गुड टू सी। यार अगर हम इस फोन के कैमरा की बात करते हैं तो दिस फोन हैज़ अ वेरी डिसेंट कैमरा, इट हैज़ अ मेन सेंसर ऑफ 48 MP, उसके बाद हमारे पास अल्ट्रा वाइड कैमरा दैट इज़ 8 MP एंड देन वी हैव अ डेप्थ सेंसर ऑफ 2 MP, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, इट हैज़ अ वेरी डिसेंट कैमरा। इट हैज़ अ फ्यू कॉन्स जिसमें एक तो ये होगा कि इट कैन ओनली रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ 1080p 60 FPS, इससे ऊपर की वीडियो नहीं बनाता है, एंड दिस कैमरा इज़ ऑन अ लॉट ऑफ, आपको ये 48 MP सेंसर बहुत सारे फ़ोन में दिखता है। इसके अलावा इस फ़ोन में एक कॉन ये है कि जब आप AI मोड यूज़ करते हो तो उसमें यू कैन नॉट टेक अ पिक्चर अदर दैन द 12 MP फॉर्मेट। अगर आपने 48 MP तस्वीर खींचनी है तो यू कैन नॉट यूज़ द AI मोड, विच आई डोंट फाइंड कि ये इतना अच्छा फीचर कैसे हो सकता है, लेकिन लाइक समहाउ दे हैव डन दैट और आपको AI मोड नहीं मिलता इन 48 MP, तो आपको सिर्फ एक रॉ तस्वीर खींच सकते हैं। उसके अलावा जो फ्रंट मेगापिक्सल है दैट इज़ अ 16 MP कैमरा, तो फ्रंट कैमरा जो है दैट इज़ ऑल्सो अ गुड इनफ कैमरा, बुरा नहीं है, इट इज़ अ पॉपअप कैमरा, लेट मी जस्ट शो यू राइट हियर, यू कैन सी द पॉपअप, तो इट इज़ अ गुड कैमरा, इट इज़ अ डिसेंट कैमरा, लाइट वगैरह अच्छी कैप्चर करता है ये, नाइट विजन इसका काफ़ी, नाइट मोड जो है दैट इज़ प्रिटी गुड, तस्वीर अच्छी आवाज़ में आ जाती हैं, तो ओवरऑल द कैमरा इज़ वेरी डिसेंट, इट इज़ अ वेरी गुड कैमरा एंड बट स्टिल आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलते हैं इफ़ यू गो इन दैट प्राइस रेंज, बट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। ये कुछ कैमरा सैम्पल हैं जो आप देख सकते हो कि इसकी कैमरा क्वालिटी जो है वो किस तरह की है। तो यार दैट इज़ फॉर द रिव्यू, अगर इसमें अगर मैं इसको कंक्लूड करूँगा आई वुड से दैट के सीइंग द प्राइस टैग ऑफ 39,000 वी हैव अ लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस, जिसमें सबसे पहला जो मैं आपको विच आई फील इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन दिस प्राइस रेंज दैट वुड बी द मी नोटेड प्रो। नोटेड प्रो में जो स्पेक्स हैं दे आर ऑलमोस्ट गुड इन एवरी एक्सपेक्ट, ठीक है, लाइक आप जैसे मर्जी देख लो वो फ़ोन बहुत तेज़ है, वेरी फास्ट है, बैटरी अच्छी है, कैमरा बड़ा है और इट हैज़ फास्ट चार्जिंग, एवरीथिंग ना जो इस फ़ोन में नहीं है एंड इट हैज़ अ प्राइस टैग ऑफ 40,000।
तो उस लिहाज से इफ़ यू सी इट प्राइस वाइज तो यू हैव अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आप कहते हो यार कि नहीं आई एम अ हुआवे फ़ैन और मुझे हुआवे का कस्टम फील वाला जैसी मुझे वो बहुत पसंद है, तो इट डज़ नॉट गेट बेटर देन दिस। फिर आपके पास ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। आई वुड नॉट रिकमेंड गेटिंग द Y9S क्योंकि वो फ़ोन 4000 महंगा एंड गिव्स यू द सेम थिंग। अगर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत अच्छा लगता है जो राइट साइड पे है पावर बटन में, देन यू मे गो फॉर इट। लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक देर इज़ एनी थिंग कि आप बोलोगे मुझे Y9S लेना चाहिए इस फ़ोन के बजाय। तो यार अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द फोन और एनी कंपैरिजन वीडियो यू वांट टू सी, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड इट हेल्प्स अस मेक मोर वीडियोज़ एंड बेटर वीडियोज़, तो प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमने कुछ इस वीडियो मिस कर दिया तो यू कैन ऑलवेज गो वॉच द Y9S वीडियो क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ें कोई दोनों फोन में फर्क नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड डू दैट। तो प्लीज़ थैंक यू एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब अस।